नेपाल के कोडारी में भूकंप का केंद्र था। जमीन से 19 किलोमीटर अंदर एवरेस्ट के बेस कैंप के पास बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र था। काठमांडू से 70 किलोमीटर दूर कोडारी में बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र, और एहतियात के तौर पर दिल्ली और कोलकाता की मेट्रो को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। पिछली बार भी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तब भी ऐसा ही कुछ किया गया था, और इस बार भी एहतियातन मेट्रो सेवा को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। और भूकंप के झटके रुक रुक कर जब महसूस हो रहे थे तो लोग घरों से बाहर निकले, दफ्तरों में जो लोग काम कर रहे थे वो भी बाहर निकले। तो फिर महसूस होने लगे क्योंकि चक्कर से आने लग रहा था, ऐसे लग रहा उल्टी आ जाए। फिर हम लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आ गए, तब से हम लोग बाहर ही खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए तो फिर जाएंगे अंदर। अरे मैं ऊपर था, मुझे पता नहीं चला। हाँ, मैं चाय वगैरह पी रहा था बच्चों के साथ, तो मुझे तो पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ है, तो फिर बच्चों को लेकर मैं नीचे उतर गया। जैसा कि हम लोगों से जान रहे हैं, कईयों को पता तो लोग भी बता रहे कि किस तरह से जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो उन्हें क्या फील हुआ। किसी को चक्कर आने लग गया तो किसी को उल्टी आने लग गई, लोग बच्चों के साथ घरों से बाहर निकले, तो वहीं जो लोग दफ्तरों में काम कर रहे थे वो भी बाहर निकले। हमें भी लगातार भूकंप के कई बार झटके महसूस हुए। दिल्ली से संवाददाता सत्येंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। चले आपके पास आएंगे सत्येंद्र, लेकिन पहले सुनते हैं कि गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। और जो भी इतना मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार। लोग पैनिक हैं दिल्ली में, खासतौर पर घरों से उतर आए हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर किसी को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई संकट नहीं है। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे, आप कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और जहां तक नेपाल की बात है तो भारत लगातार नेपाल को मदद देने का काम कर रहा है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मदद दी जाएगी। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्येंद्र, बताया जा रहा है कि एक बार फिर से भूकंप का केंद्र नेपाल में है। जी हाँ, नेपाल की राजधानी काठमांडू के करीब बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र, और रिक्टर स्केल पे इसका जो मेजरमेंट है वो पहले 7.1 बताया गया था, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके 7.4 कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, 25 अप्रैल को नेपाल में भूकंप आया था, 7.9 मेजरमेंट था उसका रिक्टर स्केल पे, और उसने जितने बड़े लेवल पे वहाँ तबाही मचाई थी वो सबको पता है। तो एक बार फिर बताया जा रहा है कि काठमांडू के करीब है भूकंप का केंद्र, और जमीन से 19 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है ये। नॉर्दर्न इंडिया जो है उसके तमाम हिस्सों में ये महसूस किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट शामिल है, भुवनेश्वर में, कटक में, गुवाहाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों में ट्रेमर्स महसूस किए गए हैं। अभी आप राजनाथ सिंह को सुन ही रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा कि पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन 7.9 की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछली बार 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस हुए थे, भारी तबाही मची थी, क्या शुरुआती खबरें आ रही हैं नेपाल से, इस बार सब कुछ ठीक ठाक वहां पर? नेपाल से फिलहाल यही खबर आ रही है कि वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा ये पता चलने में कि वहाँ फिलहाल हालात क्या है, क्योंकि नेपाल पहले ही इतने बड़े डेविस्टेशन से उभरने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर अभी भी तमाम ऐसी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, सुदूरगामी क्षेत्र हैं जहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, और वहाँ से मलबा हटाने का काम जारी है। बीच बीच में बरसात के चलते यह हैम्पर भी हुआ था, लेकिन अब ये नए जो झटके आए हैं जिनकी तीव्रता पहले 7.1 बताई थी यूएसजीएस ने, लेकिन जिसे बाद में अपग्रेड करके 7.4 कर दिया गया है, तो ये अपने आप में बहुत मेजर ट्रेमर्स है नेपाल के लिए। और अब उसके बाद अब थोड़ा मेरे ख्याल में वक्त लगेगा वहां से खबरें आने में, रिपोर्ट्स आने में कि वहां किस लेवल पे तबाही हुई है या किस लेवल पे वहां नुकसान पहुंचा। चलिए इंतजार रहेगा वहां पर। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, पिछली बार जिस तरह से तबाही मची थी वो उसने दिल दहला दिया था। और सत्येंद्र, दिल्ली की तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी लोग घरों से, दफ्तरों से बाहर निकल आए थे, डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में था, जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए बाहर की तरफ दौड़े लोग।
देखिए 12:35 पे ये भूकंप आया है काठमांडू के करीब और 12:40 के आसपास यहाँ झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पैनिक दिल्ली में भी दिखा है, लोग दफ्तरों में काम कर रहे थे और दफ्तरों से अचानक से बाहर आ गए। पिछली बार की तरह तस्वीरें इस बार भी यहाँ देखने को मिली हैं। ये सिर्फ दिल्ली का नज़ारा नहीं है, देश के तमाम हिस्सों में जहाँ नॉर्दर्न इंडिया में भूकंप आया है लोग अपने घरों से बाहर आ गए हैं और पैनिक तो है ही लोगों में, क्योंकि पिछली बार जो भूकंप के झटके आए थे और जिस तरह से नेपाल में तबाही मची थी उसके बाद लोगों में ये डर तो है ही कि दिल्ली में कभी भी भूकंप के झटके आ सकते हैं। और ये जो पूरा बेल्ट है ये उसी रीजन में आता है जहां भूकंप का खतरा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सत्येंद्र। तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी और पूर्वी भारत में भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र नेपाल का कोडारी बताया जा रहा है और साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। शुरुआती खबरें जिस तरह की आ रही हैं, अभी तक जानमाल के किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है नेपाल से, लेकिन क्योंकि केंद्र नेपाल है और 7.4 था तीव्रता थी भूकंप की, इसलिए अभी वहां से रिपोर्ट्स का इंतजार है। क्योंकि पिछली बार 25 अप्रैल को जब भूकंप के झटके आए थे, महसूस हुए थे नेपाल में, तो भारी तबाही मची थी, 7.9 तब तीव्रता थी भूकंप की। और एक बार फिर आज दिल्ली एनसीआर में उस वक्त दहशत फैल गई जब भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए। रुक रुक कर कई बार झटके महसूस किए गए। पहले